नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस उत्तराखंड की पांचों सीटों पर क्यों हारी, इसकी जांच पड़ताल देहरादून में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने शुरू कर दी है। चार लोकसभा सीटों की जांच पड़ताल से जो बातें निकल कर सामने आई है, उससे सवाल यह उठता है, क्या उत्तराखंड कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं पर आने वाले दिनों में गाज गिर सकती है, कोई एक्शन हो सकता है, फटकार लग सकती है। आइए देखते हैं उत्तराखंड के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को हार के क्या का कारण गिनाए है। अभी तक चार लोकसभा सीटों पर जांच पड़ताल हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की पांच सीटों पर कांग्रेस हारी। हार के बाद जब मीडिया ने उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा से हार के कारणों पर बात की, तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से कई कारण गिनाए। कर्ण मेहरा ने बहुत ही साफ साफ कहा, बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना किया, इससे उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल गिरा, यह हार के प्रमुख कारणों में से एक बड़ा कारण बना। मेरा ये मानना है, एज ए अध्यक्ष मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पहले वाले कथन पर कायम हूँ, बड़े नेता अगर चुनाव लड़े होते तो आज परिस्थितियाँ दूसरी होती। हम बीजेपी को एक सीट से ज्यादा सीट जीतने नहीं देते, हम चार सीटें जीतते, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया देहरादून आए हुए हैं। वो उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के सही कारण जानने में लगे हुए। वो हर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों, पूर्व सांसदों, जिलाध्यक्षों, विधायकों, पूर्व विधायकों, पीसीसी मेंबर्स और अन्य सीनियर कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में बात कर रहे हैं। पीएल पूनिया 3 दिन देहरादून में रहेंगे। पहला दिन उन्होंने बंद कमरे में अल्मोड़ा और नैनीताल और दूसरे दिन टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार संसदीय सीट के लोगों से बात की। अभी तक चार सीटों से मिले फीडबैक में हार के जो प्रमुख तीन कारण निकल कर सामने आ रहे हैं, उनमें पहले नंबर पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने चुनाव लड़ने से सार्वजनिक तौर पर मना किया, इससे उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल टूटा। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से बहुत पहले ही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा चाहते थे अल्मोड़ा से यशपाल आर्य, हरिद्वार से हरीश रावत या फिर खुद वो टिहरी से प्रीतम सिंह चुनाव लड़े, ताकि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हो सके अपने सीनियर नेताओं के पीछे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य ने मीडिया को कैमरे के सामने साफ साफ कहा कि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। अब सवाल उठता है, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से इस फीडबैक के बाद क्या कांग्रेस का हाईकमान उन लोगों पर कोई एक्शन लेगा जिनके कारण उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल गिरा, कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश हुआ और यह हताशा हार का एक कारण बनी। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बंद कमरे में हो रही बातचीत में हार के कारणों में दूसरा कारण जो निकल कर सामने आया है, उस पर भी कर्ण मेहरा पहले ही बात कर चुके मीडिया से ऑन कैमरा। अल्मोड़ा और नैनीताल के कांग्रेसी नेताओं और पदाधिकारियों ने बताया है, उम्मीदवारों का चयन सही नहीं हुआ, बार बार हार रहे लोगों पर ही दांव लगाया गया। हरीश रावत ने अपने बेटे को चुनाव लड़ने की जिद की, वो टिकट दिलाने में भी कामयाब हो गए, लेकिन वीरेंद्र रावत ने इससे पहले कोई किसी भी लेवल का चुनाव लड़ा नहीं था। उनको सीधे सांसदी का चुनाव लड़वाना कांग्रेस को भारी पड़ गया, जबकि उनके सामने बीजेपी का बहुत ही मजबूत उम्मीदवार त्रिवेंद्र रावत थे। ऐसे ही कुछ टिहरी लोकसभा सीट पर हुआ। जोत सिंह के पास विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुभव तो था, लेकिन वो बहुत अधिक एक्टिव अपने क्षेत्र में नहीं थे। मुंसोला जी प्रीतम सिंह जी की चॉइस थे और जोत सिंह मुंसोला जी हमारे वरिष्ठ हैं, 2 बार के विधायक रहे, 2 बार चेयरमैन भी रहे। मैं चाहता था प्रीतम सिंह जी लड़े, विक्रम सिंह जी हों या फिर हमारे दीपक बिजलवाण जी हों, मैंने तीनों के नाम सजेस्ट किए थे। अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को टिकट देने का विरोध अल्मोड़ा में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कर रहे थे, इसके बाद भी प्रदीप टमटा को टिकट दिया गया। अल्मोड़ा से तो यशपाल आर्य को चुनाव लड़ना चाहिए था कि यशपाल आर्य जी, और डिमांड भी थी, अजय टमटा से बहुत नाराजी थी, लेकिन उतनी ही नाराजी हमारे कैंडिडेट के लिए भी निकल के आ गई। और जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक था वो ठीक था, मेरे को लगता है कार्यकर्ता चाहते थे कि यशपाल आर्य जी लड़े, और मुझे लगता है यशपाल आर्य जी लड़ते तो एक तरफा जीत होती। हार के कारणों में तीसरा कारण जो निकला है, वो भी उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए कोई नया तथ्य नहीं है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में पार्टी के सीनियर नेताओं की आपसी खींचतान का नुकसान हुआ है। कर्ण मेहरा और हरीश रावत, कर्ण मेहरा और प्रीतम सिंह, हरीश रावत और हरक सिंह रावत, इन नेताओं के बीच के जो मतभेद है वो सार्वजनिक हुए हैं, बार बार सार्वजनिक हो रहे। हरीश रावत ने कहा,
कर्ण मेहरा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उन्हें तो प्रबंधन करना चाहिए, जबकि कर्ण मेहरा चुनाव लड़ना चाह रहे थे। कर्ण मेहरा ने कहा, हरीश रावत हरिद्वार से या तो वो खुद चुनाव लड़े या मुझे लड़ने दे। कर्ण मेहरा ने कहा, टिहरी से प्रीतम सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए। इसके जवाब में प्रीतम सिंह ने कहा, टिहरी से उसे चुनाव लड़ाना चाहिए जिसके लिए अध्यक्ष जी चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं। ये मैं कहते कहते थक गया, मैं प्रीतम सिंह चुनाव लड़ने से नहीं डरता, लेकिन मैं आपको कहते कहते थक गया हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अध्यक्ष जी भी अगर कह रहे हैं तो मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ, भाई जिस व्यक्ति के लिए आपने व्यूह रचना की है, देखिए अध्यक्ष जी ने जिस प्रत्याशी के लिए सारी व्यूह रचना की है तो उसको वो लड़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं देखिए देखिए सोनिया जी राहुल जी जब इस बात को कहेंगे तो मैं अपनी बात कहूँगा, बहुत सारी बातें मैं उनसे कहूँगा, जब कहूँगा तो मैं समझता हूँ कि मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व भी जो है निश्चित रूप से जब प्रीतम सिंह की बातें सुनेगा तो वो भी कहेंगे कि हाँ प्रीतम सिंह अपनी जगह से। इसके अलावा भी बहुत से बयान हैं जो इंटरनेट पर कुछ कीवर्ड डालकर ही आसानी से हासिल किए जा सकते, मिल जाएंगे। पीएल पूनिया को इंटरनेट पर कुछ कीवर्ड डालकर सर्च करना चाहिए ताकि उनके सामने तस्वीर एकदम साफ हो सके। वैसे पीएल पूनिया से कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों ने चुनाव में हार का एक कारण संसाधनों की कमी भी बताया है। अब यह तो साफ होता हुआ दिख रहा है कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लुटिया कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने डुबोई है। यह अलग बात है कि कांग्रेस उत्तराखंड में जीतती हुई पहले ही नहीं दिख रही थी, लेकिन कुछ सीटों पर बहुत अच्छी फाइट में आ सकती थी, कुछ सीटें जीत भी सकती थी, यह कर्ण मेहरा सहित अन्य कांग्रेस के कुछ नेता कहते रहे हैं। क्या आप कांग्रेस की केंद्रीय टीम उत्तराखंड में कांग्रेस के इन कुछ सीनियर नेताओं को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा एक्शन लेगी जिनके कारण कांग्रेस कार्यकर्ता का उत्तराखंड में मनोबल गिरा है, यह देखने वाली बात होगी। पीएल पूनिया यह जो रिपोर्ट उत्तराखंड के देहरादून में बैठकर तैयार कर रहे हैं, यह रिपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। वैसे किसी एक्शन की उम्मीद कम ही लग रही है, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने ही यह कहा गया है कि अब जब सांप निकल गया तो रस्सी पीटने से क्या फायदा। आप अंत में एक वीडियो देख लीजिए, यह वीडियो कांग्रेस के देहरादून में स्थित प्रदेश मुख्यालय का है। उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद काजी निजामुद्दीन और लखपत बुटोला का स्वागत हो रहा है। आप गौर से देखिए, इसमें कांग्रेस के सभी नेता मौजूद है। जब इस कार्यक्रम को कवर कर हमारे संवाददाता ऑफिस पहुंचे तो मैंने पूछा, आज कांग्रेस के मुख्यालय का माहौल कैसा था, तो उन्होंने झट से कहा, आज तो कमाल हो गया, बहुत दिनों बाद कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेता एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर फोटो खिंचा रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे, सब बड़े छोटे नेता एक साथ दिख रहे थे। अब यह तो कर्ण मेहरा ही जानते होंगे इस एकजुटता के पीछे की कहानी क्या है, यह दो सीटों पर उपचुनाव में मिली जीत का उत्साह है या फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर पीएल पूनिया की देहरादून में मौजूदगी का असर है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।